नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन अपडेट्स जो है वो जानने के लिए एसएससी के रिगार्डिंग और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पाने के लिए। आप क्वेश्चन देख लेते हैं आपको कौन कौन से करने हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लीज़ क्वेश्चन को यार ज़रूर सॉल्व किया करो और क्वेश्चन के आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए। बिल्कुल आपको कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन के जो सीरीज़ हैं इस तरह से लिए हैं कि उसमें आपके सारे कंसेप्ट जो है वो कवर होंगे। ठीक है, उसमें और आपका पहला ये मेरा ये यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसमें मैंने हर क्वेश्चंस का इसमें प्रूफ दिया है, हर आपके जितने भी थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ मैंने इसको इसमें लिए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स वगैरह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ चैनल ग्रो करवाने में। ठीक है, तो प्लीज़ यार ज़रूर मेरी मदद कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी डी, जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का सा ट्रिक लगना है। अगर वो हल्का सा ट्रिक अगर आप पकड़ पाए, ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ देखी हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बिल्कुल एक लाइन का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। तो यहाँ पे आपको एंगल एक्स बताना है कितना होगा अगर आपका जो बी ई है वो ए सी के परपेंडिकुलर है और सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी है। तो यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एफ डी ई विच इज़ इक्वल टू एक्स एंड एंगल ए सी एफ। आपको ए सी एफ आपको 20 डिग्री दिया है, ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ और क्वेश्चन और करिएगा। देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले ट्रेपीजियम की पुरानी वीडियोस देखिए, ठीक है, फिर उसके बाद ये ट्राई करिएगा क्वेश्चन। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपकी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे ए बी सी डी, प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करिएगा और दोनों आंसर मुझे बताइएगा सोल्व करके, ठीक है, और ज़्यादा आप दिमाग जो है वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट सीखिए और फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। ऐसे हवा में जो है वो तुक्के मार के अपना टाइम भी मत वेस्ट करिए, इससे आपका नुकसान ही होगा। तो प्लीज़ अगर आपको आता है तो अटैम्प्ट करिएगा, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्ल्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए सोल्व करूँगा, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताए हैं इस तरह के कंसेप्ट, इस तरह के ट्रिक। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपका ए बी सी डी एक ट्रेपेजोइड है जिसकी ए बी की लेंथ आपकी 21 है और सी डी की आपकी 13 यूनिट है। और इसके अलावा आपको एक मेन चीज़ दे दी जिससे कि आप ए बी सी डी का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को देने से आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, वो आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस हैं, ये तो ऊपर नीचे अप करके एरिया वेरिएशन कर सकते हो, लेकिन एक मेन चीज़ दे दी, वो मेन चीज़ क्या है आपकी, ए डी परपेंडिकुलर डी एफ। हाँ जी, ए डी परपेंडिकुलर डी एफ, यानी कि इतनी चीज़ करने से इसमें एक ठहराव आ गया, यानी कि आपकी एक यूनिक फिगर बनेगी सिर्फ इतनी चीज़ करने से, ए डी परपेंडिकुलर डी एफ करने से। और दूसरी बात, ये जो आपके सामने लिख रखा है ए डी एफ, आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी ई के, डी सी के और सी एफ डी के। सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी। और बी पार्ट में आपका जो है वो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ये जो आपका एक्सटेंड किया गया है पॉइंट पी तक ए डी और बी सी को प्रोड्यूस करके और इधर से डी ई और सी एफ को प्रोड्यूस करके क्यू पे। सो यू हैव टू, मतलब ये जो आपका एरिया है डी सी पी, ये कितना इससे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब दोनों एरियाज़ का जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो प्लीज़ ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करिएगा। और इस वीडियो के बाद मैं जस्ट आपको एक क्वेश्चन का ट्रिक बताऊँगा, एक सोल्यूशन बताऊँगा, एक क्वेश्चन करके दिखाऊँगा, ठीक है, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।